वो उनकी हो जाती है और जो हेमा के पास बैठा होता है वो हेमा का हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों YouTube की फैमिली में आज आप सबको बताने बहुत खुश हूँ कि मैं एक आई हूँ आज एक एनजीओ में जिसका नाम है जानवी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये मुंबई शहर में है, आपको पता है मुंबई शहर में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ मैं मिली हूँ इन बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से। मैंने बहुत मस्ती की है, ये रसगुल्ला वगैरह देख रहे हैं तो अगर दिख रहा हो तो मुँह में अगर पानी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, रसगुल्ला देख के अगर मुँह में पानी नहीं आया तो फिर वो रसगुल्ला होना बेकार है ना। मेरे भी आ रहा पर कोई बात नहीं, वीडियो के बाद खाऊंगी। तो दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये आज से मेरे बन गए हैं नए फ्रेंड्स और ये तो है ही, पर मैं कितने खुश हूँ वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतने खुश हूँ कि मन अंदर से भर भर आ रहा है, कि ऐसा मन कर रहा है कि इनसे कितनी बात कर लूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों से अच्छा और बच्चों से सच्चा कोई भी नहीं होता है। ये बड़े बड़े जो ब्लॉग हो जाते हैं ना, ये बड़े मतलब ही हो जाते हैं, माँ कसम मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा, इतनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो जब मेरा मन करता है ना किसी एक अच्छे इंसान के साथ बैठूँ तो बस मैं बच्चों के पास आ जाती हूँ और इन्होंने तो मुझे बहुत प्यार दिया है पर मुझे ऐसा प्यार दिया है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तो अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज इन सबके बच्चे, ये जो जितने भी बच्चे हैं इनके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि ज़िंदगी में सारी खुशियाँ इनको मिले और जो है ये ऐसे खुश रहें और जो है इनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। हालांकि उसकी गारंटी बहुत कम है क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो गम आता ही है ना। तो एनीवेज अगर आपकी हेमा शर्मा को देख के अच्छा लगा हो, इन बच्चों को देख के अच्छा लगा हो और अगर कम से कम रसगुल्ले को देख के अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो लाइक कर देना और मुझे बता भी देना कि क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या नहीं लगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं मैं तो बोलती हूँ अभी से आज से ही करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़िंदगी की गारंटी नहीं रही है। ठीक है तो चलिए हम जो करना है बाकी तो करते रहिए, मैं थोड़ा रसगुल्ला खा लेती हूँ। चलो भाई खा लो। अरे नहीं यार छोड़ो।